का एक सीन जो है यहाँ पर फिल्माया गया था, पूरा नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। एक सीन को यहाँ पर शूट किया गया दोस्तों। इस घर को पम्मी का घर दिखाया गया, लोहे के एंगल लगी हुई हैं और देखिए ये बैकग्राउंड में दिखा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे बारात निकली थी, जो बारात वहाँ साहिबगंज जाके मारपीट होती है, साहिबगंज में होती है मारपीट। आपका सीन है उसमें? हाँ सबका होगा। आपका क्या सीन था फिल्म में? आपका क्या सीन था फिल्म में? और जब बारात में जो लोग थे, बारात गई थी तब तो आपका सीन होगा उसमें? हाँ, हाँ, हाँ। तो कहाँ, आप कहाँ थे उसमें? हमारे सब हुआ कहीं ले आ गए बस। नहीं ऊपर छत पे भी बैठे थे काफी, सभी आ गए ना फ्रेम में। हाँ। अरे कोई रह तो नहीं गया? नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा सीन, तुम रह गए? अरे यार यहाँ आओ ना, ये आ नहीं रहे थे फ्रेम में। ये देखिए ये सब एक ही क्वालिटी है ना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी? आप देख रहे हैं आश्रम वेब सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पम्मी का घर और दूसरी जगह दिखाएंगे जहाँ पर पम्मी के भाई यानी कि सत्य काम करते हैं, वो फैक्ट्री। यही पे हुआ था वो आश्रम का शूटिंग? तो कितने दिन हुआ था शूटिंग? अरे पीछे पीछे मिला के एक महीना लग गया। एक महीना लग गया था? कभी चले जाए फिर उसके बाद एक हफ्ता बाद आओ। तो यहाँ पे कौन कौन से सीन लिए फिल्म के? यहाँ पे बारात निकली थी, जो बारात वहाँ साहिबगंज जाके मारपीट होती है। साहिबगंज में होती है मारपीट? साहिबगंज कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बनेगा 5-7 किलोमीटर। अच्छा बारात यहाँ से निकली थी लेकिन जी। तो यहाँ पे साहिबगंज चौकी, मतलब चौक से पहले, चौकी से पहले साहिबगंज चौकी ये बोलते हैं। तो यहाँ पे तो पम्मी का घर दिखाया गया था शायद ना? तो ये है घर तो शायद, हमें ये देखा, ये ऊपर वाला, ये वाला। तो इसके लिए रास्ता किधर से है? ये सामने से रास्ता, ये घर से ही है ना। अच्छा अच्छा, आपने देखी थी शूटिंग? शूटिंग देखी थी, मतलब जरिया भी देख ली थोड़ा बहुत। कौन सा? पिक्चर भी देख ली। पिक्चर देख गए थे? हाँ। तो यहाँ पे बॉबी देओल थोड़े आए थे उस टाइम, उनका सीन तो था नहीं यहाँ पे? बॉबी देओल आए थे यहाँ पे, बॉबी देओल सूरज कुंड का, उनका सीन सूरज कुंड का हमने बनाया था फर्स्ट में ही, सूरज कुंड पे आई थी। चलो भाई यहाँ बनाते हैं, उसके बाद फिर साहबगंज का है बारात जहाँ पे मारपीट करते हैं, जहाँ पे दुल्हा को पकड़ खींच लेते हैं। हाँ दुल्हा को, मैं सोच रहा था कि शायद इसी गांव का है कहीं का सीन वो। नहीं वो सीन तो वहीं का है साहबगंज, यहाँ से बारात निकलती वहाँ बारात पहुँचती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, हम पहले यहाँ देखते हैं। चाचा यहाँ पे शूटिंग हुआ था एक साल पहले, देखा था आपने? कहाँ हुआ था? आपका सीन है उसमें? हाँ सबका होगा। आपका क्या सीन था फिल्म में? आपका क्या सीन था फिल्म में? नहीं था तो बच्चे लोग, आपका सीन है फिल्म में? देखी थी आपने शूटिंग? कहाँ पे हुआ था? अरे ये किसका घर है? तुम्हारा घर है ये? कितने दिन शूटिंग हुआ था यहाँ पे? ये हुआ था एक महीना। एक महीने तक शूटिंग चला था? चलिए घर दिखा देंगे हमको। ताला मारा था। ताला मारा है क्यों? मामा है ना? मामा नहीं है, मतलब मामा, तुम्हारे मामा यहाँ पे कामे पर, तो हमें बार बार से दिखा देंगे घर है ना। तो चलिए चलते फिर घर पे। चलिए। एक सीन जो है यहाँ पर फिल्माया गया था, पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये तीन पेड़ देख सकते हैं आप, और ये जो यहाँ पे बेल हैं ये ऊंचा सा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छप्पर का सीन है, और ये जो इसमें खंभा लगा है इसका सीन देख सकते हैं पूरा नज़ारा। और इसके जस्ट पीछे वो पम्मी का घर है, तो वो हम आगे चल के दिखाएंगे आपको दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एक सीन जो है यहाँ से फिल्म में गया था, पूरा नज़ारा देख सकते हैं। सामने जो घर बना हुआ है इसमें जो चार झरोखे आप देख सकते हैं इनका सीन लिया गया है, और पास में जो बाथरूम बना है और ये छप्पर जो बना है इन दोनों का सीन भी लिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का दोस्तों। अगले ही सीन में कैमरा जो इधर से एंगल किया गया था, आप देख सकते हैं इस सीन में पूरा घर दिखाया गया है। ऊपर का जो कमरा आप देख रहे हैं इसको पम्मी का कमरा बताया गया है वेब सीरीज में, और जो नीचे का आप सीन देख सकते हैं इसमें उसके माता पिता और भाई वो तीनों रहते थे, तो ये नज़ारा यहाँ से फिल्माया गया है। चलिए मैं अभी आपको ये पूरा इधर से घुमा के दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ का पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं, इसको वेब सीरीज में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। अभी चलते हैं आगे। फिल्म का यानी कि वेब सीरीज़ का अगला सीन यहाँ पर शूट किया गया था, आप देख सकते हैं जब पम्मी सीढ़ियों से चढ़ती हैं और उतरती हैं तो वो सीन यहीं का है। यहाँ से कई प्रकार से कैमरा एंगल किया गया था, लेकिन मैं आपको पूरा फ्रेम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा होगा आपको, और सामने जो गेट लगा है वो, और जीना जो है, ये छप्पर जो आप देख रहे हैं ये इसको बाद में डाला था, पहले ये यहाँ पे टीन डली थी, बस छप्पर को बाद में डाला है शूटिंग होने के बाद में। जब पम्मी के भाई यानी कि सती पम्मी की जासूस करने के लिए निकलते हैं तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था। यहाँ पर शर्ट पहनते हुए निकलते दिखाई देते हैं, तो वो सीन यहीं पर फिल्माया गया था।
दोस्तों पम्मी जब घर से बाहर निकलते हैं तो सीन जो यहीं पर फिल्माया गया था, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा बहुत गजब का है। यहाँ पर पहले कुछ पत्थर पड़े थे लेकिन अभी यहाँ पर बालू पड़ी है और ये छप्पर, पीछे वाला छप्पर पूरा सब कुछ देख सकते हैं। सारा नज़ारा जो है एक ही जगह का है। ये चाची आप ही का घर है, यहाँ पर शूट हुआ था? हाँ। तो कितने दिन तक चली थी शूटिंग? एक महीने तक या दो महीने, कितने दिन तक चला था? तीन महीने, एक महीने तक चला। तो उसमें कुछ रुपए दिए आपको? हाँ। कितना रुपए दिए थे? 10,000। 10,000 दिए थे? मतलब दो महीने तक चला था। एक महीना तक? हाँ, एक महीने तक। कितने लोग आए थे यहाँ पे? मना ही तो ना आएगी नहीं है। नहीं वैसे कितने लोग आए रहे? बहुत लोग आए, बहुत हजारों लोग मना ही ना आए। यहाँ पे रुके थे या फिर कहीं बाहर रुके थे? वो यही रहा था, यही रुके थे जब तक शूटिंग हुआ था। ना ही रहा, बाहर रहा, चला जाता है शूटिंग करके, चला जाता है शूटिंग शूटिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे दिन में। रतिया में रहते रहे हैं 11 बजे ले, 11 बजे तक रहते रात में। अच्छा, जो रात का सीन था उसके लिए रात में रुके थे यहाँ पे? हाँ। और ज्यादातर दिन के सीन थे? हाँ। और जिसमें वो कलाकार ने काम किया था, जो पम्मी है उसके मम्मी पापा जो बने थे वो यहीं के थे? पर उनके यही जो कलाकार थे उनके साथ में, जो उसके मम्मी का रोल था, उसके पापा का रोल किया था? अच्छा अच्छा, उन्हीं के से कलाकार थे वो? इस गांव के नहीं थे लोग? नहीं, हम तो ये मतलब ये समझे कि इसी गांव के थे वो? नहीं, गांव का नहीं रहे वो, साथ तो, के रावण है, उनके साथ में चला जा रहे हैं। और जब बारात में जो लोग थे, बारात गई थी तब तो आपका सीन होगा उसमें? हाँ, हाँ, हाँ। तो कहाँ आप कहाँ थे उसमें? हमारे सवा हुआ कहीं ले आकर बस। नहीं ऊपर छत पे भी बैठे थे काफी लोग? हाँ काफी लोग बैठा रहे, सब देखा, सब गाँव के रहे। अच्छा, गांव के बैठे थे? हाँ। तो वो गांव तो इसी गांव के लोग होंगे, वो तो जब बारात के निकले थे बारात में? हाँ, नाच रहे थे? हाँ, सब रहे। हाँ तो आप भी थे, बच्चे लोग सब? हाँ, सब बच्चे बच्चे सब रहे। या सब रहे, तरफ पूरे गांव के सब रहे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो भीड़ तो बहुत हो गई होगी? बहुत भीड़ रही। चलिए अभी इस घर के अंदर चलते हैं, अंदर से जो सीन फिल्माए गए थे वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये है वो घर और यहाँ पर सीन फिल्माए गए थे। देखिए यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है, इसी पे बैठे थे। और इधर कॉर्नर में वहाँ पर जो स्टूल लगा है, एक स्टूल वहाँ पर लगा था, एक यहाँ पे इधर साइड में, तो उसमें सत्ती और उनकी वाइफ बैठी थी। एक मिनट, आप एक मिनट आइएगा, थोड़ा बताइएगा हमें। यहाँ पे जो ये सामान ये उनका रखा था बेड वेड, वो खुद ही लाए थे अपना, फिर आप ही का था? और यहाँ पर कोने में जो सत्ती बैठे थे कुर्सी टेबल लगा के, वो भी उन्हीं का? और इसकी जो रंगाई पुताई आप ही ने करवाई या फिर पहले से वो रखी थी? ऐसे सब अपन ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड लगा था पहले? हाँ। लगा था ना? हाँ, वो आपने हाँ। आपने हटाया फिर वही खुद ही ले गए? नहीं, हमारे रहा वो, छोड़ गए वो बोर्ड। हाँ, उन्होंने लगवाया था। और ऊपर का जो कमरा है? हाँ। वो पहले से बना था? हाँ। नहीं बनवाई थी, उन्होंने खुद नहीं बनवाया था अपने हिसाब से। वो उसके आगे जो टीन सेट लगा है, वो टीन आपने लगवाए थे बाद में? दोस्तों अंदर का सीन आपने देख लिया, अभी चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। भाई आप चलो ऊपर यार, भैया ताला मारा। नहीं वो बाहर से दिखा देंगे हम। चलो ये बच्चे लोग दिखा रहे हैं। अरे यार भैंसिया मारेगी तो नहीं? अरे मारेगी नहीं, चलो। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये अच्छा इसका खुला हुआ है कि? चलो फिर तो सही है। तो ये है वो कमरा जो फिल्म वालों ने खुद ने बनवाया था। चलिए आपको अंदर से दिखा देते हैं। अब तो इसमें कुछ नहीं है कमरे में? ना है, कुछ ना है, पूरा खाली पड़ा है। तो देखो ये बनवाया था फिल्म वालों ने रूम। और ऊपर से देखिएगा, ऊपर इसमें टीन है, मतलब लोहे की चद्दर है। जब उसमें पम्मी रहती थी तो पता नहीं क्या क्या रखा था सामान, और काफी बड़ा भी लग रहा था उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये चादर डाल दो आप इस पे, सही रहेगा। अरे ये दीवार थोड़ी है कोई, ये तो लकड़ी का है। मुझे है? अरे यार तो लकड़ी का है, देखो मैंने वहां पे देखा, देखो वो जो होल दिख रहे हैं वहां से मालूम पड़ा है, तो प्लाई यार आर पार दिख रहा है सही। इसमें देखो, अरे यार हम समझ रहे कि वैसे सही बनवाया मकान उसने। क्यों भाई साहब आप यहीं के हो ना?
तो ये प्लाई का बनवाया था उन्होंने या फिर उसका बनवाया था सीमेंट वीमेंट का? नहीं प्लाई का, पूरा प्लाई का बनवाया ये? प्लाई का। तो आपने जब से बताया नहीं, नीचे हम समझ रहे थे कि यार सीमेंट का बना हुआ लग रहा है, बढ़िया मकान प्लाई। तो इसमें तो इसको जल्दी बना दिया उन्होंने? हाँ। जी बहुत जल्दी, मतलब 4-5 रोज में बना दिया होगा शायद। हाँ वही 4-5। तभी तो यार हम कह रहे कि यार ये तो बहुत महंगा बना होगा सीमेंट वीमेंट लगा के। ये देखिए पूरा प्लाई का मकान देखिए आप। चलिए ऊपर से नीचे का दिखाते हैं आपको सीन। और ये देखिए ये बच्चा पार्टी हमारे साथ साथ घूम रही है। ये देखिए ये सब एक ही क्वालिटी है है ना। चलिए, अरे तुम कहाँ आ रहे हो भाई, नीचे चलो भाई, चलो चलो। ये यहाँ पे, हाँ ऊपर आए अभी, कहाँ है ऊपर? क्या कूद के भागी थी वो दिखा रहे हैं क्या सीन? अरे यार कहाँ से कूद के भागी थी वो? अरे यहाँ पे कूद के और यहाँ से निकली थी। ये तो हम दिखा ही नहीं पाए। ये अच्छा अच्छा कांटे बाद में डाले यहाँ पे। यहाँ से जो मम्मी है निकल के भागती है इस घर में से, तो यहाँ पे कूदती है और यहाँ से कूद के ऐसे जाती है और यहाँ पे निकलती है ना, फिर यहाँ से निकल के ऐसे भागती है ना, फिर आगे रोड आ जाएगा। हाँ हाँ खरंजा रोड। यार ये सही है बिल्कुल, ये तो हम दिखाना ही भूल गए। इसके मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, बाकी आपने अगर वेब सीरीज देखी है तो आप देखिएगा। सभी लोग बता रहे हैं कि यहीं पे निकल के भागी थी वो। चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं एक बार, अभी दूसरी लोकेशन पे भी हमें जाना। तुम कहाँ रह गए भाई, हमने फिल्म शूट कर ली यहाँ पे। यार आओ चलो भाई। ये देखिए यहाँ पे भैंस बांधी जाती है ना, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखा है यार। हाँ गांठ बराबर है, है? गांठ बराबर है पूरा। वही तो पहले काट रहे हैं चाटा। क्या चाटा? चाटा मतलब कचरा। आओ सभी आ गए ना फ्रेम में। हाँ। अरे कोई रह तो नहीं गया? नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा सीन, तुम रह गए? अरे यार यहाँ आओ ना, ये आ नहीं रहे थे फ्रेम में। सो यहाँ का पूरा नजारा हमने बना लिया। अभी हम यहाँ से उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर सत्ती भाई काम करते थे पुलिया वाली फैक्ट्री में, है ना। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर है। बस बता रहे हैं यहाँ से 500 मीटर दूर है। और वो स्टैंड भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर, जहाँ से पम्मी बैठती है बस पकड़ती है ना। हाँ। वो कितना दूर है? बगल पे जो बाईपास है स्टैंड इधर है। हाँ। और वो फैक्ट्री इधर है दूसरी। हाँ। साइड में, दोनों को विपरीत दिशा में है। हाँ। तो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ फ्रेम में थोड़ा बहुत। चलिए वहाँ पे चलते हैं, चलो बाय बाय करो सब। दोस्तों ये पम्मी का घर तो आपने देख ही लिया, लेकिन अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा हो तो हमने उसमें बताया था कि पम्मी का घर जो है 2 किलोमीटर दूर है सूर्यकुंड से। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सूर्यकुंड का। हेलो, ये यहाँ से आप देखिएगा सूरज कुंड जो है 2 किलोमीटर है। हाँ भैया। और इधर है सूरज कुंड। दोस्तों अभी हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर पम्मी का भाई यानी कि सत्ती काम करता था जिस फैक्ट्री में। ये पुलिया फैक्ट्री है, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी पुलिया यहाँ पर बनी हुई हैं। ये नज़ारा है यहाँ का। और चलिए मैं भी आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से देखिएगा आगे टीन सेट डला हुआ है, और स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हैं टीन सेट डला हुआ है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक आगे का सीन भी लिया गया है। चलिए दोस्तों अभी हम नज़दीक आ गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पुलिया बनाई जाती हैं, अभी काम चल रहा है। और इधर देखिए यहाँ पर अंदर ये इसमें माल कुछ लगा रहे हैं, पुताई कर रहे हैं अंदर से जिससे कि चिकनी हो जाए। और यहाँ पर सत्ती काम करते आते थे, यह पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा स्क्रीन शॉट में यहाँ पर लोहे के एंगल लगी हुई हैं, और देखिए ये बैकग्राउंड में दिखा हुआ है थोड़ा सा। और वो जो गोल गोल आप देख रहे हैं उसमें मसाला बनाया जाता है। चलिए और दिखाते हैं नज़दीक से, यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। इस प्रकार से यहाँ पर काम होता है।
फिल्म की शूटिंग लोकेशन के साथ साथ आज आपने एक रियली के लोकेशन भी देख लिया, किस प्रकार से यहाँ पुलियाँ बनाई जाती हैं। और दोस्तों वहाँ पर उस जगह पर ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे शूटिंग हुई थी ना आश्रम की, तो यहीं पे थे आप लोग? हाँ, तब हमें सब रहे। कितने दिन हुआ था यहाँ पे शूटिंग? अरे भवा, 5-6 साल है वही। एक साल तक हुई थी यहाँ पे, तो एक दो दिन के सीन लिए होंगे ना। सत्ती काम करने आता था उस टाइम में, चालू था ये। अरे हम नहीं थे, हम तो अभी आए हैं बनाने। तो यहाँ पे जो लोग अभी काम कर रहे हैं, इनमें से कोई था उसमें? सब वही मनाई है, सभी लोग आप ही थे? उनके लोग नहीं थे कोई? नहीं। चलो जी, बढ़िया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यहाँ का नज़ारा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमने आपको ओरिजिनल टीम बता दिया कि किस प्रकार से पुलियों का काम किया जाता है, पुलिया यहाँ पे बनाई जाती हैं। चलिए ऑफिस पे चलते हैं, ऑफिस के एक दो सीन है वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर पुलिया रखी हुई हैं और उसके जस्ट सामने ये है वो ऑफिस जिसमें पम्मी के भाई यानी कि सत्ती को पेमेंट दिया जाता है। तो ये हम आपको अंदर से नहीं दिखाएंगे, बस हम आपको ये बाहर से दिखा देते हैं। ये इसमें जंगला लगा हुआ है, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में, और उसमें एक घड़ी का सीन भी लिया गया थोड़ा सा, तो वो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। नहीं, अंदर से नहीं ले रहे हम, घड़ी का सीन ले रहे हैं बस। इसमें घड़ी का आप सीन देखिएगा, घड़ी का सीन दिखाया गया है सीरीज में। एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया था जब पम्मी घर से भाग करके और आश्रम के लिए बस पकड़ती हैं, तो इसी जगह पर बस स्टैंड बनाया गया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस जगह पर, ये जो अब बिजली का पोल है और ये पेड़ है, इसके बीच में यहाँ पे उनका खुद का ही सेट बनाया हुआ था, और यहीं पर लिखा हुआ था बस स्टैंड सनेतु, तो वो जगह यहीं पर है। यहाँ पर दो देख सकते हैं, ये दो भी बिजली के पोल हैं, देखिए ये लोहे वाले बिजली के पोल हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयाग दूध दही पनीर मक्खन, तो ये यहीं का सीन लिया गया था यहाँ पर। और दोस्तों ये है हाईवे, इसके बारे में एक मिनट पूछते हैं हम, कौन सा हाईवे है ये? ये हाईवे के जस्ट पास में है। अरे भैया हेलो, ये कौन सा रोड है? ये गोरखपुर लखनऊ हाईवे, ये लखनऊ से गोरखपुर के लिए जा रहा है। दोस्तों ये रोड जो है इधर से लखनऊ से आते हुए और इधर गोरखपुर के लिए जा रहा है, ये हाईवे है ना? कौन सा हाईवे है, नंबर नहीं मालूम हाईवे का? 28, ये नेशनल हाईवे नंबर 28 है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने पम्मी का घर और पम्मी के भाई जहाँ पर काम करते थे सत्ती, वो पुलिया बनती है वो जगह, और जहाँ से पम्मी बैठती थी वो स्थान, तो ये तीन स्थान आज आपने देखे हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री आवास, बाबा का आश्रम, और एक कौन सा एक हॉस्पिटल दिखाएंगे आपको जहाँ पर पम्मी के भाई का इलाज हुआ था, और भी कुछ स्थान हैं जो हम आपको लास्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये तीसरा एपिसोड। चलिए मैं आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम पम्मी के घर गए थे, पम्मी के घर या बस स्टैंड से करीब 500 मीटर दूर है, और जो सत्ती जहाँ पर काम करते थे वो जगह पम्मी के घर से भी 500 मीटर दूर है, यानी कि 1-2 किलोमीटर के दायरे में है तीनों जगह। तो भाई साहब ये जगह लखनऊ से कितना दूर है? 135। दोस्तों ये जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है, और अयोध्या से शायद 5 किलोमीटर दूर है ना, अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चौथी सीरीज जल्दी ही आने वाली है, तो अगली सीरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, और बाबा जाने मन की बात। बाय बाय।